नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। इस वीडियो में आपको देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाएगी। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को जोर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार का नया प्लान है, बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की करेगी मदद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नए ड्राफ्ट को दुर्बल रोग 2020 नाम दिया गया है। ये पॉलिसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों की समस्या और इलाज के भारी भरकम खर्च को देखते हुए बनाई गई है। इस ड्राफ्ट में दुर्लभ रोग से पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस ड्राफ्ट के आधार पर दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगों की पहचान करें, उन्हें इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, मंगलवार को जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, जनवरी में आम आदमी को और सताएगी महंगाई। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च तक खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर बनी रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक वृद्धि कमजोर रहने के साथ महंगाई दर ऊंची होती है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई दर में वृद्धि का प्रमुख कारण है प्याज, आलू और अदरक के दाम में जोरदार तेजी है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 8 महिलाओं के नाम भी शामिल है, जबकि 9 सीटों पर नए चेहरे भी उतारे गए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि बैठक में 46 सीटिंग विधायकों को टिकट देने का फैसला किया गया, जबकि 9 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 6 महिलाओं की जगह 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। आयोग ने बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। चुनाव की तारीख घोषित होते ही दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। नई दिल्ली से लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल चुनाव। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तकरार बढ़ गई है। कोटा के एक सरकारी अस्पताल में 100 से ज्यादा शिशुओं की मौत को लेकर राजस्थान सरकार के भीतर घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग बुधवार को भी जारी रही। सचिन पायलट ने कहा कि जिन परिवारों ने अपना बच्चा खोया है उनके घर जाने की परंपरा शुरू की जानी चाहिए। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल है। कहा पीएम मोदी ने किए घरेलू बजट के टुकड़े टुकड़े। कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई में भारी इजाफे को लेकर सरकार पर चारों तरफ हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सब्जियां खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। जब सब्जी तेल दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब क्या खाएगा। ऊपर से मंदी की वजह से गरीबों को काम भी नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने तो जेब काट कर पेट पर लात मार दी है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है निर्भया के 2 दोषियों के क्रिएटिव पिटीशन हुई खारिज है, अब फांसी होना तय। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि निर्भया गैंग रेप केस के 2 दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब चारों दोषियों की फांसी 22 जनवरी को तय हो चुकी है। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषियों ने अपना आखिरी विकल्प भी खो दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब तय तारीख और समय के मुताबिक दोषियों को फांसी होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने कर सकते हैं भारत की यात्रा। 3 साल पहले पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने के अंत में भारत के वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव संबंधित कार्यों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली चुनाव के लिए 16 जनवरी को बीजेपी की बैठक होगी, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का फैसला 16 जनवरी को करेगी। इसी दिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय स्टेट बैंक के 42 करोड़ ग्राहकों को झटका लगा है, बैंक ने FD पर घटाई ब्याज दरें। सरकारी बैंक में अगर आपने FD कराई है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक ने FD की दरों में बदलाव किया है, इससे लाखों ग्राहकों को नुकसान होगा। अगर दोस्तों आपने 2 साल से 3 साल तक की FD करवा रखी है तो आपको PF पर 6.10% ब्याज मिलेगा। 1 साल की FD पर ब्याज दरें 0.20% तक घटाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली NCR, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश देखने को मिली, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। गुजरात में भी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट देखी गई है।